नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। केंद्र सरकार ने 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपालों का फेरबदल कर दिया है। इस कड़ी में कई चौंकाने वाले फैसलों के अलावा कई सामान्य नियुक्तियां भी हुई हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं इस बड़ी खबर के बारे में। इनमें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर किया गया है। उनकी जगह पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए बयान को लेकर विवादों में रहने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने 6 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर उनसे मार्गदर्शन मांगा था कि उन्हें इस पद पर बने रहना चाहिए या फिर नहीं। अब आपको बताते हैं किन किन उपराज्यपालों और राज्यपालों की नियुक्तियां हुई हैं या फिर फेरबदल हुआ है। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम रिटायर्ड परनाइक अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। फिर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। मौजूदा समय में वो राज्यसभा से सांसद भी हैं। शिव प्रताप शुक्ला उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वो 4 बार विधायक रहे हैं। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे। वो 1989, 1991, 1993 और 1996 में विधानसभा सदस्य चुने गए थे। मुझे लगता है कि कुछ जो भी नेतृत्व ने दायित्व दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, माननीय गृह मंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, मैं इस बात को मान करके चलता हूं कि एक कार्यकर्ता के नाते जो भी मेरे को काम सौंपा जाएगा उसको मैं करूंगा। मैं निश्चित ही उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ जब मेरे पास और आ जाएगी तब और जितनी बातें हो सकेंगी वो कहेंगे। गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया और वो 8 बार के विधायक भी रह चुके हैं। बेहद ही सरल स्वभाव वाले जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं कटारिया। देखो, पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है मैंने उसको पूरी क्षमता से पूरा करने का प्रयास किया है, और यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी ने और मेरी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं वहाँ काम करूँ, तो मैं निश्चित रूप से उनकी आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और काम को अच्छी तरह से उचितता के साथ और बिना पक्षपात के करने का प्रयास करूँगा। ईश्वर भी मदद करेगा और पार्टी के सब वरिष्ठ लोगों का भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं सोचता हूं कि मैं निश्चित रूप से उनकी जो कुछ उनकी मंशा है उसके अनुसार खरा उतरने का प्रयास करूंगा। वहीं जस्टिस सेवानिवृत्त एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे और 40 दिनों के बाद ही उन्हें गवर्नर बना दिया गया है। जस्टिस नज़ीर राम मंदिर पर निर्णय देने वाली बेंच में शामिल थे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। कांग्रेस से भाजपा में आई अनुसुईया उइके को सरकार ने 16 जुलाई 2019 को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया था। अनुसुईया ने आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए मार्च की डेडलाइन तय की थी। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वो मणिपुर और पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। तमिलनाडु बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेशन डुरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 में फाइनल मैच के दौरान स्टेज पर ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए सुनील छेत्री को धक्का देते हुए नजर आ गए थे, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। वहीं बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रमेश बैस छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वो लगातार 7 बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं। इससे पहले वो त्रिपुरा और झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा रिटायर्ड को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के राज्यपाल भी रहे हैं। 31 जुलाई 1995 को मिश्रा सेना से रिटायर हुए थे। उन्होंने भारत चीन के 1962 के युद्ध, नागालैंड में नागा विद्रोहियों के खिलाफ 1964 का युद्ध,
साथ ही सियालकोट में पाकिस्तान के खिलाफ 1965 में अहम भूमिकाएं निभाई थी। आपको बता दें, इसी साल देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी शुरुआत पूर्वोत्तर के 4 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में चुनावी प्रक्रिया के साथ शुरू हो चुकी है। वहीं हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं। वहीं दक्षिण भारत की अगर बात करें तो यहां पर कर्नाटक और तेलंगाना में इसी वर्ष चुनाव है। वहीं जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है। ऐसे में चुनावी साल होने के कारण इन फैसलों को चुनावी चश्मे से देखा जाना स्वाभाविक है। धन्यवाद।